ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली पेश करते हैं बड़ी खबरें। सह प्रायोजक मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। लिंक अटूट पैडलॉक्स, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी छूमंतर। श्री धूत पापेश्वर का स्वामला, सेहत का खजाना 2 चम्मच रोजाना। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्रोइंग स्किन पाएं। भारत पहुंचा